तो वेलकम बैक गाइस, और एक और नए यूजफुल वीडियो में आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा खास उनके लिए आने वाला है जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं। अब बेसिकली ड्रॉप शिपिंग होता क्या है कि इसमें आपको एक वर्चुअल एड्रेस बनाना होता है और एक वर्चुअल स्टोर बनाना होता है, जिससे कि आप लोगों को वो जो भी प्रोडक्ट है वो आप उपलब्ध करवाते हो। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि दो तीन प्लेटफॉर्म है जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि अलीबाबा हो गया, शॉपिफाई हो गया। तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स स्टोर है, कोई वेबसाइट है, और या फिर कोई आपका शॉपिफाई या अलीबाबा पे स्टोर है। जैसे कि आजकल अलीबाबा और शॉपिफाई में क्या होता है कि ड्रॉप शिपिंग का अलग फीचर दिया होता है, जहाँ से आप अपना स्टोर बना सकते हैं और वहीं से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ड्रॉप शिपिंग आप वेबसाइट है या आपका जो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है जिससे आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, वेबसाइट का प्रोडक्ट है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रीच कैसे लाएँ। तो बेसिकली दोस्तों, मैं क्या है कि ड्रॉप शिपिंग करता नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता। वैसे तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग या ब्लॉगिंग करता हूँ, या मेरा ये यूट्यूब चैनल है, लेकिन मुझे क्या कि अभी 5-10 दिन पहले ही मुझे ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ा पता चला। मैंने थोड़ी क्लास लगाई उनके बारे में, तो मुझे पता चला कि ड्रॉप शिपिंग ऐसे ऐसे होती है और ऐसे ऐसे इस पर व्यूज आते हैं, ऐसे ऐसे रीच आती है। तो फिर मैंने एक बार याद किया कि मैं पिंट्रस्ट यूज़ करता था 1 महीने पहले, तो उस पर मैंने कई पिन चढ़ाए थे। मैंने अमेजोन एफिलिएट के लिए अपलोड किए थे पिन जो भी थे, लेकिन उन पर जब मैंने रीच देखी इतनी थी तो मुझे लगा कि ये जो तरीका है, जो ये मैंने पिन चढ़ाए, ये तरीके जो मैंने अपलोड किए थे पिन, ये तरीका ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा कामयाब होता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट है उसको आप वहाँ पे प्लेस करते हो, जैसे कि क्या उसे कपड़े हो सकते हैं या फिर कोई और अदर प्रोडक्ट हो गया, ज़्यादातर कपड़े ही होते हैं, जैसे कि अलीबाबा हो गया और अदर कोई वेबसाइट हो गई। तो मैं आपको पूरे एकदम डिटेल से बताऊंगा कि मैं आज ये वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग मैं ज़्यादातर करता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे बस एक बार लगा कि ये आपको बताने की न्यूज़ है और आपको बताई जानी चाहिए। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे कि हर वीडियो में कहता ही हूँ मैं, ब्राउज़र ओपन करना है आपके पास जो भी ब्राउज़र हो। जैसे कि मैं न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ इस माइक्रोसॉफ्ट एज की। अभी ड्रॉप शिपिंग जैसे अलीबाबा पे होती है, लेकिन मैं वो वेबसाइट नहीं ओपन करूँगा क्योंकि मैं ड्रॉप शिपिंग कभी नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि आप कैसे अपने जो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है वो उस पर आप रीच ला सकते हो, उसको ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो, ताकि आपको जल्दी जल्दी सेल मिल जाए या फिर आपका प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बाय हो जाए, किसी से कोई परचेज करे आपका प्रोडक्ट आपकी तरफ से और आप उसको प्लेस करो वहाँ पे। तो अभी हम मैं आपको वो एग्जांपल दिखाऊंगा जो मैंने तरीका अप्लाई किया था, लेकिन मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं करता हूँ। तो मैंने वो वहाँ पे जो मैंने मतलब एफिलिएट के लिए वो ट्राई किया था, लेकिन वो ज़्यादा कारगर ड्रॉप शिपिंग के लिए है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पिंटरेस्ट पे जाता हूँ, जैसे कि ये पिंटरेस्ट है, pinterest.com। ये मेरे इस पे 2-3 पिन है, लेकिन मैं अभी इस पे काम नहीं करता हूँ। pinterest.com है, क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग वर्ल्ड वाइड लेवल पे की जाती है, वर्ल्ड लेवल पे की जाती है, तो मैं सिंपल सी बात है ड्रॉप शिपिंग pinterest.com पे ही मतलब अपने पिन अपलोड करूँगा, ताकि मुझे वर्ल्ड लेवल पे जो भी रीच है वो मिले। जैसे ये तो मेरा अलग पिन है, एक PDF अब करके है, इसमें मैं PDF कराता था, अपलोड करता था इसमें मैं। जैसे कि ये तो ऑडियो बुक वगैरह वगैरह, इसको आप छोड़िए एक बार, अब किसी ने फॉलो किया है, नोटिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। और यहाँ से मैं उस में जाता हूँ, ये देखिए फैशनोलॉजी वाला है, फैशनोलॉजी, ये मैंने एक बार नाम रखा था ऐसे ही, ये ओपन हो रहा है, देख देख लेते हैं एक बार कि आपको कैसा लगता है ये। वेट, इस पे भी कोई नोटिफिकेशन आया, कोई इंटरेस्ट की अपडेट होगी। अभी पहले तो आप दोस्तों इस पे मंथली व्यूज़ देखिए, ये अभी कम हो गए क्योंकि इस पे मैंने पिन अपलोड करना बंद कर दिया। जैसे कि ये है 440 मंथली व्यूज़ दिखाया गया यहाँ पे, लेकिन आप जब ये देखेंगे, मैंने सिर्फ अमेजोन एफिलिएट के लिए प्रोडक्ट ये प्रमोट किया था, लेकिन इस पे मतलब कईयों पे क्लिक्स भी आए हैं, लेकिन मैंने आप देख सकते हैं इसमें मतलब कोई भी खास बात नहीं है, मैंने सिर्फ वहाँ से उठाई और यहाँ पे ये मेरे जो भी मेरा एक टूल है, इसको क्या नाम, इसका मैं भूल गया, मैं भी स्निपिंग टूल, तो इससे मैंने ये फोटो काट के यहाँ पे अपलोड कर दिए थे। इसमें कुछ खास नहीं है फोटो में, आप देख सकते हैं, लेकिन जब आपको देखेंगे ना, मैंने इस पे कुछ प्रमोट किया है, लेकिन आप इस पे रीच देखेंगे तो कितनी कितनी आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, लेकिन ये सब यूनिक है, ऑर्गेनिक है। इस पे देखिए 31 है, और यहाँ पे आप कहीं पे देखेंगे तो ये देखिए 39 है, 143 है,
50, और अभी शायद इस पर अपडेट हो गया, लेकिन जब भी मैंने एक महीने पहले देखा था इसमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए थे, 1.7K तक आ गए थे। अभी पता नहीं इसकी क्या पॉलिसी होती है पिंटरेस्ट की, मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है। अगर इसके एनालिटिक्स में जाके देखते हैं तो देखते हैं कुछ पता चलता है क्या, या ऑडियंस इनसाइट या ओवरव्यू में देखते हैं कुछ मिलता है क्या यहाँ से। ये अभी इसका सही नहीं है मुझे लग रहा है, चलो देखते हैं। लास्ट 30 डेज़ का ये दिखा रहा है, इसको एक बार चेंज करके देखते हैं। चिल्ड्रंस फैशन, वुमेन्स फैशन, ये कुछ दिखाया है यहाँ पे। ये देखिए इतना व्यूज यहाँ से आ रहा है, और टोटल व्यूज पता नहीं कहाँ से कहाँ पे दिखाते हैं, मुझे इस पिंटरेस्ट की इतनी पॉलिसी पता नहीं है। ये देखिए ऑल पिंटरेस्ट यूजर, चलो फैशन फैशनोलॉजी पे देखने हमको। तो योर एंगेज्ड ऑडियंस, नहीं लास्ट 30 डेज चेंज होता नहीं है शायद, लेकिन एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू। ये हाँ यहाँ से हो जाएगा, सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट 30 डेज का ही, तो इसको मैं एक बार यहाँ टेक मी देयर, कोई बात नहीं ये कर देते हैं। ये लास्ट 30 डेज का ही, तो इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, लास्ट 90 डेज कर देते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं कुछ दिखाता है क्या ये। ये देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इम्प्रेशन है 2.55 की है, एंगेजमेंट भी आप देख सकते हैं, टोटल ऑडियंस देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे जाके ग्राफ नीचे हो गया मेरा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ, यहाँ पे जाके देखिए इम्प्रेशन कितना ज़्यादा आया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे से दिखा देता है, ये देखिए इस पे भी देखिए इम्प्रेशन इतना आया है पूरे टाइम से। और इस वुमेन्स फैशन जो मैंने एक बनाया था अपना, जो अलग पिन था, जैसे कि इसको क्या कहते हैं, बोर्ड कहते हैं शायद, ब्रॉड या बोर्ड ऐसा सा कुछ नाम है उसको, उसको कहते हैं। इस पे मैंने अपलोड किए थे पिन सारे, और वुमेन फैशन करके, वुमेन टू फर्स्ट फैशन करके है इसका नाम, और इस पे मैंने जो पिन अपलोड किए थे ना, तो उन पे इतनी ज़्यादा रीच आने लगी। मैं इसको पहले तो डेली अपलोड करता था, लेकिन बाद में मैंने एक बार छोड़ दिया इसका काम। ये वुमेन क्लोथ्स 34 पिन्स, इसका मुझे वैसे ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में, लेकिन यहाँ से शायद पता चलता है, नहीं वो देखते हैं एक बार यहाँ से अच्छे से पता चलता है। लेकिन आपको यहाँ से एक ग्राफ दिखा देता हूँ मैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस पे कितने, इस पे बहुत ज़्यादा व्यूज आए थे, 001 करके, कोरियन साउथ कोरियन मूवी स्क्वाड, इस पे बहुत ज़्यादा व्यूज आए थे, इम्प्रेशन भी बहुत ज़्यादा आया था। लेकिन मैंने इसको ज़रा भी एडिट नहीं किया, ना ज़्यादा कस्टमाइज, और इसको अट्रैक्टिव भी नहीं बनाया था ज़्यादा। लेकिन पिंटरेस्ट के बारे में एक दोस्तों, एक बार आपको ये बात बता दूँ कि पिंटरेस्ट में लगभग 80% या 90% वुमेन पिंटरेस्ट चलाती है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इंप्रेशन कितना ज़्यादा था यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे बंद कर दिया था काम, ये देखिए नीचे गया था वापस, यहाँ पे वापस जा रहा है ऊपर, तो वो अलग बात है। जैसे कि इन पे देख सकते हैं अब इंप्रेशन इतना ज़्यादा है आप देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है पिंटरेस्ट लास्ट 30 डेज, यहाँ पे कुछ दिखाया हुआ है देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे टोटल इंप्रेशन दिखा रहा है, देख साउथ कोरियन वाला है, ये देखिए आप 367 इंप्रेशन, यहाँ पे आप सब पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंप्रेशन आया हुआ है, वो भी बिना किसी ज़्यादा प्रमोशन के, फॉलोअर्स भी नहीं थे ज़्यादा। लेकिन आप जब आप इनको एकदम कस्टमाइज एडिट करोगे, जैसे कि यहाँ पे एक वेबसाइट होती है, आप सब ने उसका नाम सुना, कैनवा पे, कैनवा पे आप अपने डिज़ाइन बनाइए। और जैसे कि मैं भी अपने इस पे जाता हूँ, प्रोफाइल पे जाता हूँ, ये ओपन हो रहा है एक बार, ये देखिए इसकी प्रोफाइल पिक्चर भी इतनी एचडी क्वालिटी की नहीं है, मतलब मैंने एक बार एकदम डेमो डेमो पिंटरेस्ट अकाउंट की तरह ये यूज़ किया था एक बार। यहाँ पे देख सकते इतनी ज़्यादा पिक्स है, ये देख सकते हैं आप। लेकिन आपके पास जैसे कि अगर आपके पास कैनवा है, तो आप इनको अच्छी तरह से एडिटिंग कर सकते हो, आप इनकी मतलब एडिटिंग करके एकदम, जैसे कि 75% सेल वगैरह वगैरह सेल, ऐसे करके अट्रैक्टिव बना के, और यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, और वहाँ पे आपका जैसे कि आप वहाँ पे आप अपना वो ड्रॉप शिपिंग, अपने स्टोर का लिंक दे सकते हो प्रोडक्ट का। जैसे कि एक बार इसको ओपन करते हैं, तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए लिंक दिया हुआ है अमेजोन एफिलिएट करके, तो इन पे क्लिक नहीं आते थे, क्योंकि इन पे सीधा से पता चल रहा है कि इनमें सिर्फ ये एफिलिएट लिंक है ना, कोई इसमें मतलब मैंने अट्रैक्टिव बनाया था इसको। लेकिन आप कैनवास अट्रैक्टिव बना के अपने जो भी स्टोर है आपका, उस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा रीच ला सकते हो अच्छे से, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप उस पे जरूर ना जरूर एक प्रोडक्ट या दो तीन प्रोडक्ट इस मेथड से आप मतलब बेच पाओगे, या फिर
आप आपकी मतलब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि वो आप इस स्कोप इंटरेस्ट को किस तरह यूज़ करते हो, किस तरह प्रमोट करते हो अपने प्रोडक्ट को। लेकिन मेरी गारंटी कि आपके इस मेथड से आपके जो आपका ड्रॉप शिपिंग का स्टोर होगा उस पर जरूर रीच आएगी और उससे आपको फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, और बाकी वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा।